अलकायदा ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें खूंखार आतंकी अल जवाहिरी की आवाज सुनाई दे रही है। इस वीडियो के जरिए आतंकी संगठन ने दावा किया है कि उसका नेता अभी जिंदा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा ने 23 दिसंबर को 35 मिनट की इस वीडियो को जारी किया है। दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी का साथ देने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 6 सीटों पर मनोनीत कोटे से सदस्यों का चयन होना है। इस मनोनीत कोटे से बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी को सदन में भेज सकती है। यूपी बीजेपी में विधान परिषद में मनोनीत कोटे की सीटों के लिए नामों पर मंथन शुरू हो गया है। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी से जंग अभी जारी है। चीन में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद भारत सरकार भी काफी अलर्ट है। केंद्र के साथ ही राज्यों की सरकारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार अपनी तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रही है और इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। शाहरुख खान की पठान विवादों में घिरी हुई है। इन सबके बीच पठान को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल शाहरुख खान दीपिका पादुकोण स्टार मच अवेटेड फिल्म ICE फॉर्मेट में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म होगी।